Yes, recording is also started now. The screen चला गया। तो अभी आपका नेटवर्क इंप्रूव हो गया है। इंप्रूव हो गया ना, बहुत अच्छा। एक मिनट है ना, मैं थोड़ा सा और सेटिंग चेंज कर सकता हूँ तो करता हूँ। यस, देखो किसी बच्चे ने शायद मुझे आंसर तो बताया था इसका भी। मानस ने बताया था। यस मानस, सही है सर तुम्हारा, है ना? अरे मैंने वापस से गायब हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है आज। मेरे सर आप मॉड्यूल का पेज नंबर बता दें। यस, अभी और भी क्वेश्चन शेयर करने हैं तो करेंगे जल्दी। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे सही आंसर बता भी रहे हैं यार इसका। जैसा ऑब्वियसली फर्स्ट वाले केस में इट हैज थ्री, है ना, इट हैज थ्री रेडियल नोड। दिस ऑर्बिटल कंसिस्ट थ्री रेडियल नोड्स एंड इट शुड बी एस ऑर्बिटल यहां एट आर इक्वल टू जीरो। Wave function is found to be non-zero. तो ये confirmly ऐसा s orbital है जहां three radial nodes हैं। तो a, a का answer मेरे पास आ जाना चाहिए, p option. b also consists three radial node और ये s के अलावा p and df भी हो सकता था, तो इसका answer आ सकता था pu, इसका आंसर आ सकता था Q एंड इसका आंसर आ सकता था S, है ना? Here it is angular probability is dependent on theta and phi, है ना? Angular probability is dependent on theta and phi means it may be any p as well as d orbital, so its answer may be let's say Q option and let's say S option and no angular node is present, iska answer aa jata P option and R option. Isme se isme is part mein kisi bacche ko kuch doubt hai? No sir. Ye booklet ka question hai aur IT mein aaya hua question hai, na? So first वाला A वाला जो पार्ट है इट कांट बी P D एंड F ऑर्बिटल, क्योंकि वहां जो रेडियल वेव फंक्शन या वेव फंक्शन है वो R इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन जीरो नहीं है। दूसरे वाले केस में R इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो ही है। यस, ये क्वेश्चन समझा है? इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कैच भी नहीं था। भाई ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है कुछ? नो सर। मैं स्ट्रेट वे नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ। यार ये जेई का पैसेज था, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तुमने? नो सर। ये तो आईआईटी जेई 2017 का ही है ना? मैं बताता हूँ क्या है, तुम लोग को इसका मैं फोटो भेज दूँ व्हाट्सएप पे एंड देन इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। या तुम लोग फोटो खींच सकते हो स्क्रीन का कि नहीं? यस सर, खींच सकते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीन का फोटो खींचो, मैं तुम लोग के साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसके बेस पे क्वेश्चन क्या क्या थे जेई में, है ना? ITJ Advanced 2017 का क्वेश्चन है। यस बच्चे, स्क्रीन का फोटो खींचा तुम लोगों ने ऐसा? यस
उसके बेस पे जो क्वेश्चन अच्छा रुको एक मिनट फिर से शेयर कर देता हूँ फिर से ये क्वेश्चन है yes, और इसके बेस पे तीन क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन का सही आंसर करना है ना जे एडवांस 2017 का था ये सबका आंसर बता सकते हो तुम लोग मुझे जो किसी किसी बच्चे ने मुझे सारे आंसर्स बता दिए हैं यस अनुज तुम्हारे तीनों आंसर सही हैं मानस तुम्हारे भी तीनों आंसर सही थे प्रतिष्ठा नहीं बेटा तुम्हारा एक ही आंसर सही है जो तुम तीनों भेजे हैं केविन तुम्हारा पहला आंसर सही था प्रीतन तुम्हारे तीनों सही हैं बच्चे यस अमन पहला आंसर तुम्हारा सही है अच्छा बेटा ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट या एलिमिनेट ही करना है वन बाय वन है ना जैसा इफ यू सी फोर एंड फोर अच्छा फोर एंड फोर ए ऑप्शन में यस सिस्टी तुम्हारा सही है बेटा फोर फोर आर तो हो ही नहीं सकता थ्री डी जेड स्क्वायर में एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन नहीं था नाउ इफ यू सी टू टू पी अच्छा टू टू पी सही ऑप्शन हो सकता है टू टू पी सही आंसर हो सकता है टू एस ऑर्बिटल में वन रेडियल नोड है एंड इट्स वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी 3-3P obviously answer नहीं हो सकता है 3-3 में P नहीं हो सकता था and 1-2S अच्छा वैसे भी single choice said is only correct so 23 का it will be B option as a answer for helium ion only the incorrect option है ना हम लोगों को इसमें सिर्फ incorrect option कौन सा है वो बताना है so 2-2Q probability density at nucleus न्यूक्लियस पे हम लोग आर का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये तो सही आंसर आ जाएगा भाई क्यू क्यू टू टू क्यू तो सही है ना वन वन एस वन वन एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल टू टू दिस मच टाइम्स बेटा वेरीफाई कर लो ये बी ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा 24 का एस वाला ऑप्शन सही है कि नहीं है तो देखो इसका आंसर ये है टेक्निकली बी डी डी किसी बच्चे को किसी ऑप्शन में डाउट रहेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली यहां ये वी नहीं है ना तो इट इज टू टू क्यू वन वन एस I I R, I 1 R and I 3 R. I 3 R is only the incorrect combination here. ये देखो I 3 R तो वैसे भी दिख सकता था. I 1 S है and 3 में cos theta वाला term है. तो उसपे वैसे भी depend नहीं करने वाला था, है ना? तो अगर मुझे सिर्फ ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होता तो डी ऑप्शन तो सीधे सीधे मैच कर जाता
24th पे सी भी तो गलत है ना. 24th में सी देखते हैं. देखो वन वन आर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस. बड़ा सही स्टेटमेंट है ना. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे ही मैक्सिमम होता है ना. जैसे साई का जो वैल्यू है 1s के लिए, साई का जो वैल्यू है वो 1s के लिए ऐसा है ना. तो डू थिंक न्यूक्लियस पे साई का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है. yes. तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है एट न्यूक्लियस. तो वो तो सही स्टेटमेंट है, उसमें कोई कैच नहीं है ना. इसमें इसी इस क्वेश्चन में किसी और बच्चे को डाउट है कोई? सर क्वेश्चन नंबर 25 में उसका आंसर डी है. तुम्हें और कौन सा लग रहा है कि सही हो सकता है बेटा? इसे देखो, एक तो मैं 24th अगर मैं एग्जाम में दिखा होता तो मैं ये तो पक्का टिक कर ही लेता अगर मेरे पास 24 का आंसर आ जाता. ये इनकरेक्ट नहीं है तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन तो है ना. नहीं? यस सर. अच्छा चलो 11s ऑप्शन वेरीफाई किया है किसी बच्चे ने? एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल टू 2 टू एन इक्वल टू 4th स्टेट इज दिस मच टाइम ऑफ एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 टू 6. द ये स्टेटमेंट सबके लिए ट्रू है. मतलब अगर ये बोर मॉडल के अकॉर्डिंग चेक कर लो सही है वो आंसर नहीं है. 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर. सो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर ये 27 डिवाइड बाय 32 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर. मतलब ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? ये इक्वलिटी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए, तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि ये जल्दी से चेक करके बताओ यार ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा. ये हो रहा है? हाँ सर हो रहा है. तो ये अगर हो रहा है तो एस तो कहीं भी आएगा वो ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट है ना. फिर एस कहीं भी आएगा वो ट्रू स्टेटमेंट है और 1-1 तो ऑलरेडी ट्रू है ना. यस सर. वैसे तो मैंने जो एटॉमिक असाइनमेंट 5 भेजा था ना उसमें भी है बड़ा ये क्वेश्चन है ना. अब जो पुराने वाले एटॉमिक असाइनमेंट 1, 2, 3, 4, 5 है उसमें बीच में जो कुछ क्वेश्चन पहले छोड़ने के लिए बोले थे वो अब कर सकते हो फिर से तुम लोग. ठीक है? यस सर. यस सर. वत्सल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है न्यूक्लियस पे बट उसका वॉल्यूम जीरो है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो है ना. सो एट न्यूक्लियस 1s का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है न्यूक्लियस पे बट उसका वॉल्यूम जीरो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो है उस छोटे वॉल्यूम. यस मेरे लिए और क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाना. लेट्स से ये पूरा पैसेज मुझे करके दिखाओ तुम लोग है ना. आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर मुझे पूरा क्वेश्चन 23 मतलब 53 54 55 56 आराम से करके दिखाओ ना. वैसे तुम लोग क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो?
स्क्रीन चला गया। किसी किसी बच्चे ने मुझे सही आंसर दिया है बट मैक्सिमम बच्चों अनुज, ये अच्छा बच्चा है अनुज, है ना अनुज? तुम्हारा चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर सही है। केविन, तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट का आंसर सही था। यस ध्रमिल, तुम्हारा भी चारों आंसर सही हैं। मानस, नहीं बच्चे तुम्हारा सारे आंसर सही नहीं है। यस पार्थ मुरादिया, तुम्हारा सारा आंसर सही है शायद एक्सेप्ट 55। नहीं नहीं 55 सही है। ठीक, देवांश परमार, नहीं बच्चे सारा आंसर सही नहीं है तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 जो मैक्सिमम बच्चों का सही आ रहा है, पहले मैं उस पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 यार मैक्सिमम बच्चों का सही है, 53 है ना, और उसका आंसर ए है। अच्छा ए तो मुझसे इसी से मिल जाता कि ये जो वेव फंक्शन है कोरेस्पॉन्ड टू लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। सो यहां से मिल जाता मेरे पास एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा एस ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या तो वो NS1 होगा या वो NS2 होगा, है ना। मीन्स या तो ये ग्रुप वन का एलिमेंट है या ये ग्रुप टू का एलिमेंट है। यस ऐसा ही है ना, या तो ये ग्रुप वन का एलिमेंट होगा या ग्रुप टू का एलिमेंट होगा। इन टोटल इट कंसिस्ट 60 इलेक्ट्रॉन विद स्पिन क्वांटम नंबर एज प्लस हाफ इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स या तो अब इसका जो एटॉमिक नंबर फिजिबल है ना, या तो इसका जो एटॉमिक नंबर फिजिबल है वो 120 हो सकता था, ये 119 हो सकता है, ये 121 टाइप हो सकता था। कैन वी से इसके आसपास ये जो नोवल गैस है वो कुछ 118 है नोवल गैस। यस सर, इसके आसपास जो नोवल गैस है वो 118 है, तो मेरे पास आंसर इन दोनों में से ही हो सकता है बस, है ना। 119 एंड 120, 119 विल बी अल्कली मेटल एंड 120 विल बी अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई पॉजिटिव आइसोलेटेड आयन इज फाउंड टू बी 1.732, मींस इट शुड हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सर 119 होगा, तो 119 होगा क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल में तो डायमैग्नेटिक हो जाता उसका डाई पॉजिटिव, है ना। तो यहां से मुझे मिल जाता कि ये 119 होना चाहिए। 119 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या नाम होता है, UUEM, UUEM, एंड ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है ना। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता लेट्स से अनियम। मुझे इस पूरे क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ डाउट है? इस पूरे पूरे क्वेश्चन, हाँ बोलो।
क्वेश्चन वाला समझ में नहीं आया आंसर. कौन सा वाला? 54th. 54 द मोस्ट प्रोबेबल एटॉमिक नंबर. मैं ये समझ में आ रहा था कि अगर ये 118 नोवल गैस है और उसके बाद वाला ही कोई एस ब्लॉक एलिमेंट होगा ना, क्योंकि 60 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ के, मींस उसका एटॉमिक नंबर 119 हो सकता है, 120 हो सकता है, 121 हो सकता है, उस टाइप का है ना, उस रेंज में. बट उसमें 60 इलेक्ट्रॉन है विद स्पिन क्वांटम नंबर एज प्लस हाफ, तो 60 माइनस हाफ के हो सकते हैं, 59 माइनस हाफ के हो सकते हैं, 61 माइनस हाफ का हो सकता है ना. तो उससे मुझे पता चला कि 118 तो नोवल गैस है, मींस 119 एंड 120 विल बी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रेस्पेक्टिवली. उसका डाई पॉजिटिव आयन डायमैग्नेटिक नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक था. अगर डायमैग्नेटिक होता तो आंसर 120 होता अल्कलाइन अर्थ मेटल से, और ये 119 है तो ये अल्कली मेटल है. इस बच्चे अभी क्लियर है थोड़ा सा? किसी और बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? आंसर उसका ACCA है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ये क्वेश्चन शायद आसान है और ये तुम लोग जल्दी से सब बच्चों को फोड़ देना चाहिए. If same structure will maintain for further discovery of new elements, then what will be the maximum number of elements that can be accommodated by 10th period of periodic table? Yes, Vishesha, तुम्हारा आंसर सही है. यस ध्रुव, तुम्हारा आंसर भी सही है. हरिप्रिया, नहीं बच्चे तुम्हारा आंसर सही नहीं है. यस विनित, तुम्हारा आंसर सही है. मानस, तुम्हारा आंसर सही नहीं था. वशिष्ठ, तुम्हारा आंसर सही है. अक्षा, तुम्हारा आंसर भी सही है. और अनुज, तुम्हारा आंसर भी सही था. देवांश, श्रीजनी, तुम्हारा आंसर सही नहीं है. बच्चे ओके, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया है. अब कोई बच्चा मुझे लॉजिक भी बताएगा कैसे सही है भाई. यस बच्चे, क्या करना चाहिए हम लोगों को क्वेश्चन में? 72 कैसे आएगा? एक तो आसान सा मेथड है. क्या मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते थे? आसान सा मेथड कुछ इस टाइप का है. वी नो कि भाई फर्स्ट पीरियड में टू एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में 18 है, फिफ्थ पीरियड में 18 है, यू कैन से लेट्स से सिक्स्थ पीरियड में 32 है. सो सिंपली यू कैन से कि ये 2n² अब रिपीट होने वाला है ना. सिंपली यू कैन से यहाँ 2n² रिपीट होने वाला है. तो जैसा ये हो जाता अभी 32 सेवेंथ में, 8th में हो जाता 50, 9th में हो जाता 50, 10th में हो जाता 72 एंड 11th में भी हो जाता 72. अच्छा, इस मेथड के अलावा किसी बच्चे ने कुछ और किया है इसमें? सर, मैं एक मेथड ट्राई कर रही थी बट मुझे उससे आंसर नहीं आया. मैंने 10s और 10p के बीच में जो ऑर्बिटल जा सकते हैं, मतलब जो शेल जा सकते हैं, वो देखने की कोशिश की. हाँ, वही बेटा, ट्रू मेथड वही है. देखो कुछ बच्चों ने, जैसे विशेषा ने उसी मेथड से किया भी, तो मैं देखो उस मेथड से आंसर आना भी चाहिए था. सो ऑब्वियसली इन 10th पीरियड, यू नो, इफ यू सी इन
टेंथ है ना, इन टेंथ पीरियड इट विल स्टार्टेड फ्रॉम 10s एंड इट विल एंड अप टू 10p है ना. So whichever subshell having energy between 10s and 10p should be filled here. तो जैसा यहाँ ये 9d आ जाना चाहिए, here it should be 8f here, it is 6g here. अच्छा 5i exist करेगा कि नहीं करेगा? 5i तो नहीं होता है ना. तो यहां में अच्छा 7 कुछ एक बीच में मिस कर गए हम लोग. यहां हम लोगों को 7g फिल करना होगा, यहां 6i फिल करना है, और ऑब्वियसली 5h. सर स्क्रीन एक मिनट, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? Yes, तुम लोग देख रहे थे इन द टेंथ टेंथ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल. इन टेंथ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल ये 10s से स्टार्ट होगा एंड 10p पे खत्म होगा, बट इसके बीच में हम लोग फिल कर सकते थे यहाँ 9d 8f 7g 6i 5h भी फिल कर पाते, बट 5h तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना. 10s के कोरिस्पोंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन फिल एज 2, p के कोरिस्पोंडिंग 6, d के कोरिस्पोंडिंग 10, f के कोरिस्पोंडिंग 14. यस वो 6h होना. अच्छा 6h होने वाला, ठीक है 6H होगा और ये 6I एग्जिस्ट नहीं करेगा. यस 14 के बाद 8G में कितना होता है? 18. और 6H में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे बच्चे हम लोग? H के कोरिस्पोंडिंग 22. अच्छा इन सबको अगर हम लोग ऐड कर दे तो सर 72 आ जाएगा. आ रहा है 72? Yes, sir. तो हम लोग मतलब obviously true method तो यही है, इससे हम लोग किसी भी period का find out कर सकते थे technically है ना. Yes बेटा, किसी बच्चे ने कुछ और method लगाने की कोशिश किया इन दो method के अलावा? और कुछ नहीं है ना शायद, है ना? ठीक. सो एक वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल टर्म है, यू कैन रीड इन लेट्स से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और समवेयर एल्स एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे किसी बच्चे को ये आता है जस्ट रेज योर हैंड. किसी बच्चे को पक्का पहले आना भी चाहिए. यस अनुज, मानस, जैसे देखो दो तीन चार बच्चों को पहले आता है ना. ठीक है, कुछ बच्चों ने पहले नाम सुना हुआ होना चाहिए. यस देखो अक्षा पाठक को भी आता है. ठीक. सो इनर्ट पेयर इफेक्ट यार, ये मतलब काफी कॉन्सेप्चुअल सा टर्म है. इवन इन क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग इनर्ट पे इफेक्ट से एक्सप्लेन कर पाएंगे वहां, है ना. सो यू कैन से द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of p block elements is, you can simply say ns2np1,6 या 1,2,6 ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. यस बेटा, ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है ऐसा? यस सर.
Yes. So I'm repeating again, the general electronic configuration of P block element is NS2 and NP126. For example, let's say it is 13th group, which is nothing but NS2, NP1. It consists boron, aluminium, gallium. It is indium and thallium. Similarly, it is 14th. It is NS2 and it is NP2. It is carbon, silicon, germanium, tin, and lead. Similarly, if it is 15th group, it is NS2 and NP3. It is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. And so on. But obviously, oxygen wale group mein, obviously fluorine wale group mein. But let's say if you concentrate on these three groups only. So 13th group, jo boron wala family hai, it is NS2 NP1. Carbon wala jo family hai, it is NS2 NP2. Nitrogen wala jo family hai, it is NS2 and NP3. बच्चे ऐसा समझने में कोई परेशानी है अभी तक? अच्छा, now the point is, बेटा कार्बन यूजुअली 2 बॉन्ड्स बनाता है कि 4 बॉन्ड्स बनाता है? 4 है ना, ये तो अभी कार्बन इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में भी पढ़ा रहेगा कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट है ना। बेटा एक बार लिख लो, हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे इससे रिलेटेड, है ना। एक बार इसको लिखो साथ में। सर स्क्रीन चला गया। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिखेगा, रुको, है ना। The general electronic configuration of P block elements is NS2 and NP126. Done, sir. Done. Okay. Sir, please wait. अच्छा, ये ऊपर वाला तो लिख लिया है ना, ये वाला पार्ट है ना। Now, for example, let's say if you see carbon, for example, let's say in the case of carbon, do you think carbon ka jo outermost shell electronic configuration hai, it is 2s2 and 2p2, hai na, in the case of carbon, and here it may be represented as 2s, may we have 2 paired electron. And in the case of 2p, we have 2 unpaired electron, and it is 2p2 and it is 2s2. यही है कार्बन वाले केस में, है ना। ये कुछ कुछ ऐसा आइडिया है कि भाई मेरे पास अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है तो पहले से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है कार्बन को, तो डू थिंक कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है ना। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, है ना। दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ कितने बॉन्ड्स बना सकता था कार्बन? 2 2 unpaired electron, but if one electron get excited from 2s to 2p, yes, if one electron get excited from 2s to 2p, now this electronic configuration will be, I can simply say 2s1 and it is 2p3 and it should have 4 unpaired electrons.
So this is excited state electronic configuration. So can we say in ground state carbon should be just divalent, and in excited state carbon can be tetravalent? तो यहां से यहां जाने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. तो डू यू थिंक कार्बन जब CCl4 वाला कंपाउंड बनाएगा तो वो ग्राउंड स्टेट में बनाएगा कि एक्साइटेड स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में, है ना? यस. So I can just note, you can just note down one more statement with this. Kya hai? When carbon combine with chlorine, suppose, hai na? When carbon combine with chlorine, it can form CCl2 एंड लेट्स से CCl4. दो तरीके के कंपाउंड बना सकता है कार्बन, एक CCl2, एक CCl4, इन विच कार्बन हैविंग प्लस टू एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली. सो जब कार्बन ने क्लोरीन के साथ कंबाइन किया होता तो वो प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर भी बना सकता है और प्लस फोर भी बना सकता है. प्लस टू ग्राउंड स्टेट में कि एक्साइटेड स्टेट में? ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में. और एक्साइटेड स्टेट में क्या बनाएगा? CCl4, इन विच वी हैव प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर. यस. तो कैन वी से जैसा मैंने ये बोरोन इसे कार्बन वाले ग्रुप में देखा, ऐसा ही बोरोन वाले ग्रुप में भी पॉसिबल होगा और ऐसा ही नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी पॉसिबल है? यस मानस, सही है बेटा, है ना? जैसे कार्बन वाले केस में प्लस टू एंड प्लस फोर पॉसिबल है, ये बोरोन वाले ग्रुप में क्या क्या पॉसिबल हो सकता था? सब वन एंड थ्री. वन एंड थ्री हो सकता है, वेरी गुड. और नाइट्रोजन वाले केस में क्या हो सकता था ऐसा? सर नाइट्रोजन में नहीं होगा, उसमें थ्री होगा. नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन में लूज करके बना सकता है, जैसे नाइट्रेट आयन बना सकता था ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, है ना? जैसे HNO3 में नाइट्रोजन हैविंग प्लस 5 ऑक्सीडेशन नंबर, या फास्फोरस में डाउन द ग्रुप तो हो सकता था, डी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, 3s3pn3d, है ना? तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी प्लस 3 एंड प्लस 5 पॉसिबल है. So, बड़ा ये लिख लिया है जो ब्लू वाला है सब इधर उधर, जितना भी ब्लू में लिखा है वो लिखा दो. मिनट सर, नाइट्रोजन वाला नहीं समझा. बड़े मैं नाइट्रोजन वाला भी समझाता हूँ. अच्छा ये बोरोन वाला ग्रुप वाला समझ लिया, उसमें कोई इश्यू नहीं है. कार्बन वाला ग्रुप तो अभी एक्सप्लेन ही किया हुआ है. जैसे नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी ऐसा नाम सुना है कि भाई दो तरीके के नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड हैं, एक एसिड का नाम होता है HNO2 और एक एसिड का नाम होता है HNO3. नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, है ना? Yes, तो यहाँ नाइट्रोजन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर होता है और यहाँ नाइट्रोजन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना? या ऐसा ही फास्फोरस के जो कंपाउंड है वो PCl3 एंड PCl5, तो यहां नाइट्रोजन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर है और यहां नाइट्रोजन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर है. तो कैन वी से नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी प्लस थ्री एंड प्लस फाइव दोनों पॉसिबल हैं? सर ये नहीं समझा. अरे मैं रुको फिर से समझाता हूँ. ये ऊपर वाला सर कार्बन वाला तो लोगों ने लिखा है,
देखो इन द केस ऑफ फास्फोरस पे आते हैं, चलो ना, PCl3 एंड PCl5 कैसे बना होगा सर? वो नाइट्रोजन वाला भी नहीं समझा अच्छे से। नाइट्रोजन में कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से समझ पाएगी, जब बॉन्डिंग पढ़ लेंगे हम लोग फास्फोरस वाला समझ लेते हैं, वो आसान है ना। सो इन द केस ऑफ फास्फोरस इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्राउंड स्टेट इज 3s2, इट इज 3p3, है ना, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और यहां 3d खाली है पूरा, है ना। तो डू यू थिंक अभी अभी कितने कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ? थ्री, जिसकी हेल्प से PCl5 बन सकता, PCl3 बन सकता है ना। नाउ सपोज एक इलेक्ट्रॉन 3s का जंप होके 3d में चला जाए, देन वी हैव हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन है यार? PCl5 भी बन सकता रहेगा यहाँ से, है ना, एक्साइटेड स्टेट में। यस yes, अभी क्लियर है कि नहीं? यस सर। नाइट्रोजन में वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, ऐसा समझ लो कि अगर नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो N प्लस बन जाएगा। सो N प्लस कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स एंड ड्यू टू 1 पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्लस 5 ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा उसका, है ना। जैसा जो HNO3 का, जैसे जो HNO3 का स्ट्रक्चर है वो देखो ये है ना, HNO3, नाइट्रोजन कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 बॉन्ड्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड दस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज फाउंड टू बी प्लस 5। अभी क्लियर है? यस सर। सो overall you can just try to understand these element can show 2 different type of oxidation number. Boron group can show plus 1 and plus 3, carbon wala group can show plus 2 comma plus 4, nitrogen wala group can show plus 3 comma plus 5. Means एक लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है और एक हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, और दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना, दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। सो 13th वाला ग्रुप कैन शो प्लस 1 एज वेल एज प्लस 3, 14th ग्रुप कैन शो प्लस 2 एज वेल एज प्लस 4, नाइट्रोजन वाला ग्रुप कैन शो प्लस 3 एज वेल एज प्लस 5। अच्छा कार्बन वाले केस में प्लस 4 क्यों शो करना चाहेगा और प्लस 2 क्यों नहीं शो करेगा? सर कंपाउंड ज्यादा बना सकता है, कंपाउंड ज्यादा मतलब कार्बन ज्यादा बॉन्ड्स बना लेगा सर, कार्बन। हाँ सर, कार्बन ज्यादा बॉन्ड्स बना लेगा और जितने ज्यादा बॉन्ड्स बन जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, है ना, और उतना ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो कहने के लिए हर एलिमेंट अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या मैक्सिमम वैलेंसी चाहेगा, है ना। और भी समझ सकते थे कार्बन वाले केस में तो पर्टिकुलरली CCl4 जब बनेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कार्बन का, और जब CCl2 बनेगा तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो कैन यू सजेस्ट मी कार्बन वाले केस में प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल और प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल? प्लस 4 ज्यादा स्टेबल है कार्बन वाले केस में, है ना। ऐसा ही बोरोन में भी इन जनरल प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्लस 1, है ना। यस मानस बेटा, हम लोग धीरे सीखेंगे अभी। सो ये समझ में आ रहा है बेटा, 2 डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं यहाँ, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, है ना। अच्छा हायर ऑक्सीडेशन नंबर एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ग्राउंड स्टेट में होगा, वो भी समझ में आ रहा है? यस यस सर। अच्छा ठीक है, देखो मैं इस पेज
देवांश बेटा, देवांश सिर्फ तीन ही ग्रुप्स में नहीं है, आगे में भी है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में भी है और ये फ्लोरीन वाले ग्रुप में भी है. बट लेट्स से इफ यू सी फर्दर, आई कैन रिपीट द सेम थिंग अगेन. सपोज इफ इट इज NS2, हरिप्रिय बेटा हम लोग अभी आते हैं, रुको. सपोज इट इज NS2 and let's say it is suppose NP2. ये कौन से ग्रुप की बातें कर सकते हैं हम लोग इस वाले केस में? 14th ग्रुप में मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसा था, एंड इन दिस केस इट कैन शो +2 ऑक्सीडेशन नंबर इन ग्राउंड स्टेट. Now, if you supply energy in the form of H nu or heat or any form, है ना? Or in the form of any energy, electron can excite to higher energy level now. And this may be NS1 and it may be, let's say, NP3. So, यहां मेरे पास अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड दस ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी अप टू +4 एंड इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड इट विल गिव एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अच्छा, 4 बॉन्ड्स बनाने में जैसा आई कैन सिंपली से दिस मे बी द एग्जाम्पल अगर यहाँ CCl2 बन जाता, एंड दिस मे बी द एग्जाम्पल जहां CCl4 बन जाएगा. सो यहाँ एक तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने, ऑक्टेट कंप्लीशन है यहाँ, so can we say CCl4 should be more stable than CCl2. CCl4 should be more stable than CCl2, है ना? Yes, हरिप्रिया बच्ची, समझ में आ रहा है क्या है? Yes sir. अच्छा, बट ये एक्साइट करने में भी तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना हम लोगों को. डू यू थिंक एक्साइट करने में भी हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा यहाँ? यस सर. अच्छा, अगर वो एक्साइट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ा तो ये +2 ही शो करेगा कि +4 शो करेगा फिर भी? अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में काफी कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता रहेगा. बट अगर एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा सप्लाई करना पड़ा तो उससे बेटर है कि वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई करेगा, है ना? नाउ इफ यू सी लेट्स से इन जनरल इट इज NS ऑर्बिटल एंड इट इज NP ऑर्बिटल. एक सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हो, सपोज ये 2s है और ये 2p है, ये 4s है, यहाँ 3d भी है एंड 4p है. अब यहाँ लेट्स से 6s है, यहाँ मेरे पास 4f है, यहाँ 5d है एंड यहाँ अब 6p है. तो डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल द एनर्जी गैप बिटवीन NS एंड NP ऑर्बिटल इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस. तो सिंपल रखने के लिए हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते थे, डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एनर्जी गैप
energy gap between ns and np orbital increases. Between ns and np orbital it increases, right? Jo energy gap hai. नहीं जो स्लाइड पे लिखा है ब्लैक कलर में पहले सीसीएल फोर के नीचे वो लिख लिया तुम लोगों ने? नहीं Yes, बच्चे अभी लिखा है जो ब्लैक वाला पोर्शन का है सीसीएल फोर के जस्ट नीचे. Yes, sir. अच्छा थोड़े डाउन द ग्रुप एक्साइटेशन आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट डिफिकल्ट होगा. यू कैन सिंपली से डाउन द ग्रुप two electrons present in ns2 orbital. बच्चे ये रिएक्शन या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते या रिलेटिवली इनर्ट होते जाते हैं? इनर्ट होते जाते हैं. सो डाउन द ग्रुप द टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns2 orbital become relatively inert and known as inert pair of electrons. And known as inert pair of electron. Sir, relatively inert क्यों होते हैं? Relatively inert इसलिए होता जा रहा है बेटा क्योंकि अगर energy gap बढ़ता जा रहा है तो better है कि बस जो P में इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले, S का पेयर्ड ही रह जाएगा बस, है ना? Okay. और इसका ये जो रिजल्ट होता है ना, you can simply say its result yes minus some log usko poor shielding effect of d and f orbital se bhi explain kar sakte the na, but ye maine language thodi si aasan rakhne ke liye. So its result is known as inert pair effect. Its result is known as inert pair effect. More or less
थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि क्या है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट? कि डाउन द ग्रुप जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एनएस ऑर्बिटल में, वो रिएक्शन या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं. उस इफेक्ट का नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट है. यस बच्चे, ये समझा है ऐसा? यस सर. यस सर. और लिख भी लिया है? हाँ सर. यस सर. यस सर. नाउ बैक टू दिस सीन अगेन. सो ऐसा बोरोन वाले केस में ये प्लस वन भी शो कर सकता है और प्लस थ्री भी शो कर सकता है. डाउन द ग्रुप रिलेटिवली प्लस वन शो करेगा कि प्लस थ्री शो करेगा? प्लस वन. प्लस वन है ना. और कार्बन वाला ग्रुप में रिलेटिवली डाउन द ग्रुप क्या शो करने वाला होगा? प्लस टू शो करने वाला होगा. नाइट्रोजन में डाउन द ग्रुप प्लस थ्री को शो करना होगा, है ना? यस सर. यस. तो कुछ उस पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से लेके. द फर्स्ट पॉइंट इज यू कैन से डाउन द ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट. डाउन द ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ हायर, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर. हायर ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स बोरोन में प्लस थ्री, कार्बन में प्लस फोर, नाइट्रोजन में प्लस फाइव. Yes, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप? डिक्रीज. सो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. एंड फॉर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इट इंक्रीजेस. For example, let's say, suppose ये lead वाले group में या ये boron वाले group में, suppose boron में plus three ज्यादा stable है कि plus one ज्यादा stable है? Boron में plus three. Boron में plus three. और thallium में? Plus one. Plus one. Plus one. ओके. एल्युमिनियम में? प्लस थ्री. प्लस थ्री. और इंडियम में? प्लस वन. और फिर गैलियम में? प्लस वन. मैं सिर्फ बता रहा हूँ ना. अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ. देखो कि स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑब्वियसली. सो यू कैन से डाउन द ग्रुप रिलेटिव स्टेबिलिटी. डाउन द ग्रुप रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री क्या हो जाता है इसमें? डिक्रीज. यस. प्लस थ्री डिक्रीज होने वाला था शायद, है ना? तो होता क्या है, अप टू इंडियम प्लस थ्री इज मोर स्टेबल देन प्लस वन. इन द यस मानस. सो अप टू इंडियम लेट्स से प्लस थ्री इज मोर स्टेबल देन प्लस वन. बट फॉर लास्ट एलिमेंट प्लस वन इज मोर स्टेबल देन प्लस. So you can say inert pair effect is effective only for last element of every group in P block element.
है ना, जैसा फॉर एग्जाम्पल कार्बन का अगर मैं केस देखूं, कार्बन सिलिकन टिन जर्मेनियम एंड टिन आएगा, सो इट इज लेट्स से जर्मेनियम टिन एंड लेड, सो इन चार के लिए प्लस फोर इज मोर स्टेबल देन प्लस टू, बट इन द केस ऑफ लेड प्लस टू इज मोर स्टेबल देन प्लस फोर. यस बच्चे, इतना समझा है? यस सर. बच्चे लिखा भी है तुम लोगों ने नोट्स में? यस सर. वेरी गुड. यस सर. ठीक है, मेरे लिए एक क्वेश्चन का पार्ट या उसमें जैसे ये फर्स्ट पॉइंट लिखा था ना हम लोगों ने, ऐसा एक सेकंड पॉइंट वहां लिखना साथ में. ऐसे सेकंड पॉइंट इस फोटो से देख के हम लोग लिख सकते हैं ये, है ना. सो लेट्स से इट इज द सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. सेकंड पॉइंट, सो कैन यू सजेस्ट मी गैलियम प्लस इंडियम प्लस एंड थैलियम प्लस कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? थैलियम प्लस. थैलियम. हाँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो सकता था गैलियम प्लस लेस स्टेबल देन इंडियम प्लस लेस स्टेबल देन थैलियम प्लस. अच्छा, सेकंड का आंसर क्या हो सकता था? गैलियम प्लस ग्रेटर देन इंडियम ग्रेटर देन थैलियम 3 प्लस मोर स्टेबल देन थैलियम 3 प्लस. यस, द थर्ड का आंसर जर्मेनियम इज मोर स्टेबल. जर्मेनियम ग्रेटर देन 4 प्लस मोर स्टेबल देन टिन 4 प्लस मोर स्टेबल देन लेड 4 प्लस. एंड यहाँ ये हो सकता था जर्मेनियम 2 प्लस इज लेस स्टेबल देन टिन 2 प्लस एंड लेड लेस स्टेबल देन लेड 2 प्लस. फर्दर यहाँ फिफ्थ में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? लेड वाला. यहाँ सी एक्स टू विल बी लेस स्टेबल देन एस आई एक्स टू लेस स्टेबल देन जर्मेनियम एक्स टू लेस स्टेबल देन एस एन एक्स टू एंड लेस स्टेबल देन पी वी एक्स टू. तुम लोग चाहो तो ऐसे जल्दी से लिख डालो यार, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है लेट्स से, है ना. तो तुम लोग चाहो तो इतना लिख सकते हो. सेकंड, सेकंड पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. हम लोग कुछ कुछ उस पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ. ये लेट्स से सेकंड पॉइंट था. Yes, done? Yes, sir. Okay. Now, third point is, दे लिख लिया सब बच्चों ने ऐसा? Yes, sir. Okay. Third point related to this inert pair effect is CO, carbon monoxide is
powerful reducing agent. ऐसा कहीं देखा है तुम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन या इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में? यस सर, आयरन का मेटलर्जी पढ़ा था? यस सर, आयरन के मेटलर्जी में इफेक्टिवली कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना. बट PbO2 लेड डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज oxidizing agent. So है क्या in the case of CO carbon, ये +2 है ना. In the case of carbon, let's say ये +2 है, और carbon का ज्यादा stable वाला state कौन सा है? +4. So it this state is found to be more stable in the case of carbon, and the CO hamesha chahega by losing 2 electron get oxidized itself aur dusre ko reduce kar dega, hai na. But in the case of lead, jahan ye PbO2 hai, in which oxidation number is found to be +4, is found to be less stable, and it has tendency to get converted into lead monoxide +2. Yes, बच्चे, ये समझ में आ रहा है स्टेटमेंट का मीनिंग? Yes, sir. Okay. और भी जैसा let's say out of following, which behave as, है ना, which behave as reducing agent. Suppose मैं यहां कुछ कुछ लिख देता हूं. It is let's say PCl5, it is ASCl3, it is BiCl3, it is SnCl2, it is PbCl4, it is CCl4, it is PbCl2, and so on. है ना, suppose इसमें बता सकते हो कौन कौन सा reducing agent होगा यहां? इन सब में से कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहां? यस मानस, और कौन सा है उसके अलावा जो तुमने बताया है? रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी है. यस मानस, जिसका बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जिसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, है ना. तो आर्सेनिक वाले केस में यहां +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, और आर्सेनिक में +5 ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल. सेम इन द केस ऑफ टिन, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है यहां, एंड टिन में +4 ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल. तो बेटा इसमें सिर्फ दो ही आंसर हैं, ये है ना बेटा, इन दोनों सिर्फ दो ही मेरे पास आंसर हैं. AsCl3 कैन बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, SnCl2 कैन बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट.
So only two. अच्छा लेड पीवीसीएल फोर पीवीसीएल फोर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, पीवीसीएल फोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, वो प्लस फोर से खुद को रिड्यूस करके प्लस टू बनाना चाहेगा. पीवीसीएल फोर खुद रिड्यूस होना चाहेगा बेटा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा पीवीसीएल फोर. ये समझ में आ रहा है कि आंसर सिर्फ टू क्यों होना चाहिए? ओनली दीज टू कंपाउंड जो मैंने सर्किल्ड किए हैं बस वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, है ना. बच्चे थर्ड पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या है? यस सर. ओके वेरी गुड. और लिख भी लिया है? इससे रिलेटेड फोर्थ पॉइंट इज इफ यू सी इन द केस ऑफ ए एल आई थ्री, इन द केस ऑफ टी एल आई थ्री, दोनों के दोनों कंपाउंड ही एग्जिस्ट करते हैं ना, दोनों के दोनों आयोनिक कंपाउंड टाइप से भी हैं, ये आयोनाइज कर सकता था और ये आयोनाइज कर सकता था. फर्स्ट के आयोनाइजेशन से मिलता है ए एल थ्री प्लस प्लस थ्री आई माइनस. कैन यू सजेस्ट मी टी एल आई थ्री के आयोनाइजेशन से क्या बनता है? TL I3 के आयोनाइजेशन से वी हैव TL प्लस वन प्लस इट इज ट्राई आयोडाइड आयन I3 माइनस, है ना. बड़ा एल्यूमिनियम में प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर विल बी मोर स्टेबल, बट इन द केस ऑफ थैलियम, थैलियम वाले केस में प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी मोर स्टेबल. Yes, getting my point? Yes, sir. Yes. ऐसा ही इसमें एक और कंपाउंड है गैलियम. गैलियम क्लोराइड इज Ga2Cl4. So what is the oxidation number of gallium here? Two. प्लस टू. अभी तो देखा था कि बोरोन वाले ग्रुप में या तो प्लस वन हो सकता है या प्लस थ्री हो सकता है. ना गैलियम वाले केस में या तो प्लस वन होता है या प्लस थ्री होता है ना. तो ये Ga2Cl4 कंपाउंड इज एक्चुअली Ga प्लस एंड GaCl4 माइनस, इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गैलियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है. बोरोन वाले ग्रुप में प्लस वन एंड प्लस थ्री हो सकता है मेनली. लेकिन गैलियम प्लस थ्री में ज्यादा स्टेबल है. हाँ प्लस थ्री में रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, बट प्लस वन भी तो एग्जिस्ट तो कर ही सकता है ना बेटा. जैसा टिन में ऑल्दो प्लस फोर ज्यादा स्टेबल है बट SnCl2 भी एग्जिस्ट तो करता ही है. अच्छा गैलियम कहीं बीच में भी है? बीच में मीन्स उसमें प्लस वन एंड प्लस थ्री रिलेटिवली ठीक ठाक ही स्टेबल होंगे. थैलियम में पक्का है कि प्लस थ्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मेनली, और एल्युमिनियम में यूजुअली प्लस वन एग्जिस्ट नहीं करेगा. इस बच्चे फोर्थ पॉइंट समझा है? यस सर. यस सर.
उससे आगे बढ़े हम लोग आगे करें सर Ga2Cl4 की तरह और कोई कंपाउंड्स हैं बहुत सारा कंपाउंड है अभी तो समझ लो तुम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है बेटा अभी है ना मतलब अनफॉर्चुनेटली 10th क्लास तक केमिस्ट्री होता नहीं है ना यस सर तो अभी धीरे धीरे जितना जितना देखते जाओगे है ना उतना उतना याद करते जाओ बस बेटा Ga2Cl4 जैसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ना यस फोर्थ पॉइंट लिख लिया है तुम लोगों ने सो फिफ्थ वन यस सर फिफ्थ वन सो यू कैन से PVX4 इन विच लेड का ऑक्सीडेशन नंबर इज फाउंड टू बी +4 दिस कंपाउंड शुड बी स्टेबल और अनस्टेबल कंपाउंड unstable you can say let's say should be unstable compound and should dissociate and a should dissociate ye kuch aisa ho jana chahiye tha pvx4 can dissociate to give PVX2 and +X2 अच्छा एक्स का मतलब क्या होता है इन जनरल हैलोजन्स ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना सो यहाँ ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर है ये जल्दी से कोशिश करता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर में जाने का है ना वेयर Let's say X2 can be fluorine, chlorine, bromine, and iodine. ऐसे जो F2 है वो oxidizing agent होता है कि reducing agent होता है तो fluorine oxidizing agent है कि reducing agent है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डू यू थिंक जो +2 को +4 में ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या फ्लोरीन इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना यस सो आई कैन से एज बोथ F2 एंड Cl2 आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट As both F2 and Cl2 are powerful oxidizing agent and they can oxidize. Let's say PVX4. मतलब वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते बैकवर्ड डायरेक्शन ये वापस PVX2 को PVX4 बना देते हैं है ना एंड दस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सपोज अगर मेरे पास ये सब कंपाउंड है PVF4 PVCl4 PVBr4 एंड PVI4 इसमें सबसे स्टेबल कौन सा हो सकता था PVF4 क्योंकि फ्लोरीन +4 ऑक्सीडेशन नंबर मेंटेन करा देगा लेड का है ना F2 एंड दे आर मच मोर स्टेबल देन दिस कैन बी मोर स्टेबल देन दिस सो They do not exist in nature. तब वो दो तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते PVBr4 एंड PVI4 PVF4 एंड PVCl4 एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करते हैं नेचर में
और उसमें भी PbF4 is found to be most stable. यस बच्चे लिखा है सर? यस सर. ओके सर एक मिनट. यस सभी लिख लिया है? यस सर. ओके नाउ 6 point. जैसा सपोज अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं H2SO4, इसको हीट करने पे क्या मिलता है? डू यू थिंक इसको हीट करते तो H2O एंड SO3 मिल जाता है ना, इन विच सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज +6 और यहाँ इस एसिड का ऑक्सीडेशन मतलब SO3 का ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 ही है. ऐसा ही लेट्स से suppose if it is H3PO4 on heating can give H2O and P4O10. Reaction ko balance tum log kar lenge, but yahan +5 oxidation number se +5 hi mil jata hai. To kisi matlab highest oxy acid ko hum log heat karte hain तो उसमें से वाटर लूज करके उसका एनहाइड्राइड बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड. सिमिलरली इफ इट इज HClO4, दिस एसिड इज नोन एज परक्लोरिक एसिड. इसको हीट करने पे ऑब्वियसली ये H2O मिलेगा प्लस साथ में क्या मिलेगा यहां यस अनुज सही है बच्चे हाइपोक्लोराइड मतलब यहां मेरे पास अगर +7 ऑक्सीडेशन नंबर है तो यहां मुझे जो कंपाउंड मिलता वो Cl2O7 जहां +7 का +7 ही है ऑक्सीडेशन नंबर. यस तो +6 से +6 मिला +5 से +5 मिला +7 से +7 मिला. नाउ लेट्स से इफ दिस कंपाउंड इज HIO4 क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? जैसे उसका नाम परक्लोरिक एसिड था इसका नाम ट्रायोडिक एसिड. मतलब ऑब्वियसली या तो मैं इसको पढ़ूं पर आयोडिक या मैं इसको सिंपली पढ़ सकता हूं पीरियोडिक, है ना. दोनों का स्पेलिंग तो सेम ही रहेगा. मतलब टेक्निकली मैं उसको पर आयोडिक पढ़ना चाहिए बट उसको पीरियोडिक भी पढ़ सकते हैं ना, पीरियोडिक एसिड. नाउ ऑन हीटिंग दिस पीरियोडिक एसिड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज +7, इट्स प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी H2O, इट्स प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी I2O5 and O2 +7 से ये बन जाता है +5. Can we say down the group in halogens? Down the group in halogens, जहां ऑक्सीडेशन नंबर +7 एंड +5 हो सकता था, किसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा +7 का कि +5 का? +5. Yes, +5 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता जाता है. तो पारा आयोडिक एसिड को हीट करने पर I2O7 नहीं बनता है ना, I2O5 बन जाता है. यस ऐसा समझ लोगे? यस सर. यस सर.
यार इनर्ट पेयर इफेक्ट के ना कुछ और भी सिग्निफिकेंस है, आगे चल के हम लोग देखते ही जाएंगे देखते ही जाएंगे. यस 13th 14th 15th ग्रुप के लिए सेम है, 16th सबके लिए एक जैसा सा है ना. बट एटलीस्ट मानस इस वाले केस में तो सिर्फ आयोडीन वाला याद रखना है ना. बट मैं बोल रहा हूँ कि हर एक टाइप के कंपाउंड्स का मतलब अलग टाइप का हो सकता था और आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा यूजफुल है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना. बट इतना लिखा तुम लोगों ने पहले बताओ. यस सर. मैं इससे रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल शेयर कर सकता हूँ, उसको ट्राई करो. जैसा सपोज ये क्वेश्चन तुम लोग बहुत जल्दी जल्दी फोड़ दोगे यार अब जो है ना, ये अभी सब कराया है तुम लोगों को. तो 57 इट शुड बी ए ऑप्शन. कार्बन वाले केस में प्लस टू का स्टेबिलिटी सबसे कम है तो वो जल्दी से चाहेगा कि प्लस फोर में कन्वर्ट हो जाए. 58 भी शायद कराया है तुम लोगों को. PVI4 शुड बी मोस्ट अनस्टेबल. 59 तुम लोगों को क्लास में बताया कि थैलियम प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाला है. और 60 में क्या हो जाता, बी ऑप्शन डाउन द ग्रुप प्लस थ्री का स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. मैं और क्वेश्चन शेयर करता हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट के कि और किस टाइप के बन सकते थे. Yes, वैसे इतना लिखा है. Yes, sir. मैं तो और भी क्वेश्चन शेयर करता हूं. जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी सपोज ऐसे देखो, अभी इससे पहले हम लोग ये वाले सब कर सकते थे. ठीक है, एक तो शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट है. मेरे पास एक और अच्छा क्वेश्चन था इनर्ट पेयर इफेक्ट को लेके. यस सर, ये यस ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही क्वेश्चन है ना. इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ध्यान से देखो क्या आंसर होना चाहिए उसका. कार्बन वाले ग्रुप में डाउन द ग्रुप प्लस टू का स्टेबिलिटी इंक्रीज होने वाला है और प्लस फोर का स्टेबिलिटी डिक्रीज होने वाला है ना. सब बच्चों को डी ऑप्शन टाइप का आंसर आना चाहिए इसमें से, है ना. यस सर. यस सर. इसका डी ऑप्शन आंसर आ रहा है सब बच्चों को. यस सर. यस सर. मैं देखो एक और क्वेश्चन शेयर करता हूं रिलेटेड टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. फर्स्ट जैसा इफ यू सी HNO3 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना. HNO3 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसा जब HNO3 ट्रीटेड विद फॉस्फोरस, जब HNO3 फॉस्फोरस से रिएक्शन करता है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. H3PO4 खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 एंड वाटर में और यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस फाइव. अच्छा फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, प्लस फाइव ही हो सकता है ना. यस
ऐसा ही जब HNO3 का रिएक्शन होता है Cl2 के साथ, ये इसको कन्वर्ट कर देता है HClO4, खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 एंड लेट्स से वाटर। यहाँ भी क्लोरीन, क्लोरीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज फाउंड टू बी +7। ये सब ऐसा ऐसा कुछ हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये +7 में कन्वर्ट हो जाता। और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, देखो इसके सिमिलरली इफ HNO3 रिएक्ट विद सल्फर इट कन्वर्टेड इनटू H2SO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। और यहां भी जो सल्फर है उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है +6। इसमें कोई टेंशन नहीं है समझने में, बट इफ HNO3 रिएक्ट विद I2 आयोडीन, इसमें बस ये बन रहा होता है HIO3 प्लस NO2 प्लस H2O। और यहां आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट कैन गो अप टू +5 ओनली। क्लोरीन में +7 था बट आयोडीन में सिर्फ +5 है। सिमिलरली HNO3 व्हेन रिएक्ट विद सेलेनियम इंस्टेड ऑफ सल्फर, सल्फर एंड सेलेनियम एक ही ग्रुप में है, सल्फर में H2SO4 है बट सेलेनियम में इट गो अप टू H2SeO3। अप टू ओनली +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेलेनियम है ना। सो यू कैन से डाउन द ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, डाउन द ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस and lower oxidation number it increases. अब शायद हम लोगों ने काफी सारे examples कर लिए यार innate pair effect के, है ना। और उतने में तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। मतलब सेलेनियम ऑल्दो है +4 मोर स्टेबल देन, मतलब सेलेनियम हैज +6 मोर स्टेबल देन +4, बट यू कैन से डाउन द ग्रुप रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीजेस, है ना। जैसा मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता था H2SO4 मोर स्टेबल देन H2SeO4 बट H2SO3 इज लेस स्टेबल देन H2SeO3। Yes, Manas? तो HNO3 कहां तक उसको ऑक्सीडाइज कर सकता था। ऑब्वियसली कुछ कुछ चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से याद रिलेट करके याद रखना होता है। ये तुम लोग बता रहे थे तुम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है ना, स्लेटर रूल। सर आप लास्ट स्लाइड एक बार ही दिखा सकते हैं। यार वो अब दोबारा नहीं लिखा जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, बेटा एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैं शेयर करूंगा। हां सर, जैसे तुम लोगों ने स्लेटर रूल पढ़ा था ना बेटा, उसके भी एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें ज्यादा नहीं, है ना। ठीक, सो लेट्स से मेरे लिए पहले तुम ये वाला क्वेश्चंस करो स्लेटर रूल का। यू हैव टू फाइंड आउट जेड इफेक्टिव फॉर 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम,
3d electron of chromium 3 plus and 3s electron of chromium 3 plus according to Slater rule, hai na? तो कुछ कुछ तुम लोगों ने सीखा है स्लेटर रूल में. एज पर क्रोमियम 24 इज कंसर्न, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2. ये कुछ सीखा है ऐसा कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको 2s2 2p6, इट इज 3s2 एंड 3p6, इट इज 3d5 and it is 4s1. अब मुझे 3d के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. पहला ऑब्वियसली फर्स्ट कर सकते हो तुम लोग, है ना, 3d के लिए. सो 4 3d, ये जो कोफिशियंट है सिग्मा का वैल्यू कितना होने वाला है, इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 0.35. अच्छा, बाकी प्लस बाकी जो रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं सब मिला के, बेटा बाकी रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सब मिला के, 18. सो डू यू थिंक 18 मल्टीप्लाइड बाय 1? यस सर. यस, कितना हो जाएगा ये सब मिला के, 19.4. सो यू कैन से यहां से मेरे पास जो z इफेक्टिव का वैल्यू हो सकता था 24 माइनस 19.4 आ जाता, जो 4.6 है. मीन्स या तो मेरे पास आंसर ए हो सकता है या सी हो सकता है. अब हम लोग और किसके लिए फाइंड आउट कर लें, सेकंड के लिए तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. अब जा 2.95 तो दोनों में ही है, अनलेस अनटिल आंसर नन ऑफ दीज ना हो, है ना. लो आगे के लिए मैं जल्दी से आंसर बताओ, जो ध्रुव ने आंसर बताया भी है. ये ध्रुव लद्दा अच्छा बच्चा. यस विनीत, तुम्हारा आंसर भी सही है बच्चे. वशिष्ठ, बेटा 4.95 तो हो ही नहीं सकता, ये तो अभी प्रूव किया कि 4.6 है. आंसर मेरे पास या तो ए ऑप्शन में होगा या सी ऑप्शन होगा या नन ऑफ दीज होगा. देखो तुम लोग सब बच्चों को आंसर सी ऑप्शन आना चाहिए इसका, है ना. जैसे सी ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर कि नहीं? यस सर. मैं हर एक के लिए ऐसा जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो ना. यस, तो इसका आंसर सी है. मैं एक और लास्ट क्वेश्चन शेयर कर देता हूं तुम लोगों के लिए. यस, चलो मुझे इसका आंसर बताओ, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का.
नहीं 60 तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा. नहीं 60 सिंगल चॉइस ही है बेटा, है ना. यस मानस तुम्हारा आंसर सही है. नमन शेट्टी तुम्हारा आंसर भी सही है. ध्रुव तुम्हारा आंसर सही नहीं है. अमन तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है. अनुज तुम्हारा आंसर सही नहीं था. प्रीतन तुम्हारा आंसर सही है. यस विनीत प्रतिष्ठा तुम्हारा आंसर सही है. स्निग्धा तुम्हारा आंसर गलत है बच्चे. अमन तुम्हारा आंसर सही है. शुभम तुम्हारा आंसर गलत है. अनुज अब तूने सही किया है बेटा, है ना. हरिप्रिया तुम्हारा आंसर गलत. आदित्य सिंह नहीं तुम्हारा आंसर भी गलत है बेटा. यस सृजनी तुम्हारा आंसर सही है. उदय तुम्हारा आंसर सही है. ओके बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर सही बताया है और कुछ बच्चों ने गलत भी बताया है. चलो ठीक करते हैं उसको ना. तो मेरे पास ये जो टर्म है 4 × 0.35 मतलब मेरे पास यहां जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो कुछ ऐसा कि NS, NP मिला के दोनों मिला के मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. दोनों मिला के मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और फिर ये 8 × 0.85 मीन्स ये N-1 है ना. सिंपली यू कैन से N-1 में ये जो N-1 शेल है N-1s ये 2 हो जाना चाहिए पूरा का पूरा और N-1p इसमें सब मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए 6 ये कंफर्म है. एंड देन फिर 1 × 2 मीन्स ये मेरे पास N-2s2 हो जाना चाहिए. तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि मेरे पास N-2 का वैल्यू 1 हो जाना चाहिए और ये जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता 1s2 इट विल बी 2s2 2p6 इट शुड बी 3s2 एंड 3p3. तो ये मेरे पास यहाँ फास्फोरस है. सो इट इज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन. ये तो गलत है यार. फास्फोरस थर्ड पीरियड में है और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है. बिगर इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम. ये गलत है. ये मैग्नीशियम के ही पीरियड में है एंड अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस. तो मेरे पास ये गलत है और मेरे पास ये गलत है. आफ्टर एडिशन टू 3 इलेक्ट्रॉन यस फास्फोरस 3- कंसिस्ट 18 इलेक्ट्रॉन और जो आर्गन का एटॉमिक नंबर भी है तो सी ऑप्शन सही है. एटॉमिक नंबर 14 ये गलत है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 15 है. यस बच्चे ये क्वेश्चन क्लियर है. यस सर. यस सर. आई होप नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग गैसियस स्टेट स्टार्ट. बोलो सर इसमें हम लोग ये सब लिखने के जगह हम लोग पता लगा सकते कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे पहले में 4 दिए 8 प्लस यस वैसा भी कर सकते हो ना. 4 प्लस 8 तो 5 हो जाएगा टेक्निकली क्योंकि 4 एक एडिशनल है ना. तो 5 प्लस 8 प्लस 2 भी कर सकते. सर 5 + 8 + 1 किया था सर मैंने इसलिए बोला. हाँ सर. अरे बिल्डिंग कोफिशिएंट किसी का 2 थोड़ी होता है. मैक्सिमम 1 ही होता है ना. हाँ हाँ सर वही गलती. सर कल क्लासेस रहेंगी क्या सुबह वाली.
कल सुबह वाली क्लासेस हाँ क्यों नहीं रहेंगी? सर भूमि पूजन था सर, इसलिए पूछ। क्या पूजन है सर? भूमि पूजन है ना सर राम मंदिर का कल, इसलिए। अच्छा भाई तुम क्या करने वाले हो भूमि पूजन में? सर बस देखना था सर। अच्छा सर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई छुट्टी उठी नहीं है भाई, है ना, कल लेक्चर है। अच्छा मैंने मैंने तुम लोगों को दो दो डीपीटीज भेजे हैं पीरियोडिक के, उन दोनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। ओके सर। यस सर। ओके सर। ठीक है ना? सो लेक्चर से रिलेटेड उस डाउट हां पूछो सर। आज के लेक्चर से तो नहीं, लेकिन आज अरे मानस यार मुझसे गलती हो गया है क्या? तो इन बच्चों का ना आज रेड हाउस में से आता था ना, रेड हाउस में केमिस्ट्री का डाउट सेशन था, वो उर्वशी मैम का था, है ना। तो उर्वशी मैम का मेरे पास रात में फोन आया कि उनकी तबीयत खराब है, उनको फेवरेज सा लग रहा है, तो सुबह लेक्चर नहीं ले पाएंगे। अब मैंने मैसेज डाल दिया कि नहीं भी हेल्थ इश्यू की वजह से कल केमिस्ट्री का डाउट सेशन नहीं है। रात भर कुछ कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आता रहा, गेट वेल सून सर, गेट वेल सून सर। अबे मुझे कुछ नहीं हुआ था, है ना। सर वो मैसेज से तो ऐसे लग रहा था जैसे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ सर। इसलिए मैंने पूछा था कि फिर शाम की क्लास होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली मैम लिखना चाह रहा था कि मैम की हेल्थ की वजह से ऐसा हो रहा था, है ना। सर तो कल सुबह भी उर्वशी मैम का ही लेक्चर है। नहीं कल 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 सुबह मेरा, कल सुबह मेरा केमिस्ट्री का डाउट है ना। तो कल सुबह है लेक्चर मैम का? हाँ कल सुबह मैम का लेक्चर है शायद। ठीक होगी, मतलब कल रात में उनका आया था, आज तो लेक्चर लिया उन्होंने, फिर दोपहर वाला लेक्चर तो लिया है। सर लास्ट वीक भी मैम का लेक्चर कैंसिल हो गया था क्योंकि मैम के घर पे लाइट चली गई थी। हां सर। हां सर। हां सर। बट अब उसमें डाउट्स बचते हैं तो मैं केमिस्ट्री में ठीक ठाक स्पीड पे है, जैसे मैं गैसेस ट्रेड भी स्टार्ट कर लूंगा पैरेलली नेक्स्ट वीक से, और तो हम लोग अब जल्दी जल्दी चैप्टर होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। उधर पीरियोडिक खत्म हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, सही ट्रैक पर, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ तो हम लोग टफ क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, तो मतलब टफ क्वेश्चन मींस फिर दोबारा से इस चैप्टर से रिलेटेड तो उतने ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ बोलो। आप सौरभ सर को बोल लोगे वो वीडियो का लेक्चर रिकॉर्डिंग डालते हैं यूट्यूब पे, तो कभी कभी कुछ रह जाता है तो फिर मिलता नहीं है वापस। तो तुम बोलो ना, मैं फोन करके सर को। अच्छा सर, मैं भी उनको बोल दूंगा एक बार सर, क्योंकि पिछले बार कमेंट डाला, इस बार कमेंट डाला तो लैग हो गया थोड़ा मेरा। कोई बात, केमिस्ट्री का मैं आज थोड़ी देर में डाल दूंगा अपना ये वाला, है ना। केमिस्ट्री के तो सारे सारे है ना, नहीं है? हाँ सर सर है, केमिस्ट्री में सारे डाले हैं। हाँ सर, मेरी क्वेश्चन बैंक खत्म ही नहीं हो रहा है सर। क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं हो रहा, क्यों नहीं खत्म हो रहा है? सर बहुत बड़ा है। हाँ सर। सर ऊपर से मॉड्यूल भी बहुत बड़ी है। हाँ सर, मॉड्यूल तो खत्म हो गए सर, क्वेश्चन बैंक खत्म ही नहीं हो रहा है। तो बेटा मतलब एकदम फाड़ दो यार सब चीजें, मतलब मेरा पर्पस ये होता है कि जो चैप्टर हम लोग एक बार पढ़ रहे हैं ना वो दोबारा से देखने की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, है ना। मुझे लगता है हम लोग ने एटॉमिक में कितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, सारे ओलंपियाड बैच बुकलेट असाइनमेंट सर 500 के ऊपर आराम से सर। कितने? 500 के ऊपर आराम से सर। 500 से ज्यादा पक्का कर लिए होंगे। ठीक है, गैस स्टेट में भी करेंगे हम लोग, भर के करेंगे। ठीक है चलो, अभी के लिए मैं भूमि पूजन का रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना तुम लोग, ठीक है। हां सर। कौन बच्चा था यार भूमि पूजन? सर मैं था सर, आदित्य सिंह। कोई बात नहीं बेटा, कल तू देखना, तू किसी भी टाइम टीवी खोल लेना रात तक, है ना। सर वो तो कल पूरे दिन चलते ही रहेगा, न्यूज में भूमि पूजन ही दिखा रहा होगा। हां सर ठीक है। चलो मैं मीटिंग एंड करता हूँ बेटा, है ना।
Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.